तो गाइस आज हम बात करेंगे चार पांच ऐसे फंड के बारे में जो हमें कंटिन्यूअसली बहुत ज़्यादा ग्रोथ दे रहा था, बट एक साल से लगभग ये हमें डी ग्रोथ में दिखता जा रहा है। क्या फ्यूचर में ये हमें ग्रोथ देगा या फिर इसी तरह से डी ग्रोथ में हमारा पैसे ही से चला जाएगा? तो चलिए हम बात करते हैं आगे। अगर आप लंबे समय से कंटिन्यूअसली इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं तो इस फंड में आप बने हुए रहेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर कुछ समय से ही आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट भी है वो भी ऐसे डीग्रोथ में जा रहा है, तो आप कुछ समय इंतजार कर लें, फिर इससे आप स्विच कर सकते हैं जब वो पॉजिटिव में आ जाए तब। जो लोग नए इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं इस फंड में, वो लोग के लिए मेरा सलाह है कि कुछ समय अभी वेट कर लें। जब ये फंड ग्रोथ में जाने लगेगा फिर उस समय आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला। और इन फंड से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन अगर आप ले लेंगे फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट ही होगा। तो चलिए हम बात करते हैं इन फंड्स के बारे में। पहला फंड है ICICI टेक्नोलॉजी डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। एक मंथ में 5.19% का डीग्रोथ दिया है। अगर सिक्स मंथ की बात करें तो 16.15% का डीग्रोथ, वन ईयर की बात करें तो 17.93% का डीग्रोथ दिया है, और ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो 22.36% का ग्रोथ में है। दोस्तों इसका NAV ₹140.16 है पर ईयर। इनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो SIP के थ्रू अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ₹100 से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको ₹5-6 से इन्वेस्टमेंट शुरू करना पड़ेगा। दूसरा फंड की बात करते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड है। ये भी डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है दोस्तों। अगर वन मंथ की बात करते हैं तो 4.80% का डीग्रोथ दिखाया है। सिक्स मंथ की बात करते हैं तो 14.83% का डीग्रोथ दिखाया है। और वन ईयर की बात करते हैं तो 15.99% मतलब 16% का डीग्रोथ दिखाया है दोस्तों। अगर ऑल टाइम रिटर्न की बात करते हैं तो 21.56% ग्रोथ में है दोस्तों। अगर NAV की बात करते हैं ₹122.61 पर यूनिट है। आप यहाँ पे SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ₹100 से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको ₹5 से स्टार्ट करना पड़ेगा। चलिए हम बात करते हैं तीसरा फंड का SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। अगर वन मंथ की बात करें तो 5.43% का डीग्रोथ में गया है। इस मंथ की बात करें तो 12.65% का डीग्रोथ है दोस्तों। और वन ईयर की बात करें तो 14.01% का डीग्रोथ दिखाया है। चलिए हम ऑल टाइम रिटर्न की बात करते हैं तो 20.43% का रिटर्न दिया है जो ग्रोथ में है। तो अगर NAV की बात करते हैं ₹141 पर यूनिट आपको मिलेंगे। अगर इस फंड में SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ₹500 से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको ₹5,000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर हम चौथा फंड की बात करते हैं तो एक्सिस फोकस 25 डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है दोस्तों। अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले जान लें कि हमारा ये जो फंड है ये कितना परसेंट का डीग्रोथ या ग्रोथ में गया है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। अगर वन मंथ की बात करते हैं तो 5.53% डीग्रोथ दिया है। अगर सिक्स मंथ की बात करते हैं तो 6.93% का डीग्रोथ दिखा है। अगर वन ईयर की बात करते हैं तो 16.99% का डीग्रोथ में दिखाया है, मतलब 17% का डीग्रोथ है दोस्तों। ये हम ऑल टाइम रिटर्न की बात करते हैं तो 14.77% का अब ग्रोथ में है दोस्तों। हम NAV की बात करते हैं तो ₹45.14 पर यूनिट आपको मिलेगा। और SIP के थ्रू अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस फंड में तो ₹100 से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हम लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अगर ₹500 से इन्वेस्टमेंट हमें करना पड़ेगा। दोस्तों मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन दिया हूँ आपको चार फंड के बारे में। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तत्काल तो कुछ समय के लिए अगर रुक जाते हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हो सकता है कि ये 4-5% और ऐसे डीग्रोथ में जाए तो आपको 4-5% का लॉस हो सकता है। अगर आप कुछ समय और वेट कर लेते हैं, अगर 4-5% ये फंड ऐसे डीग्रोथ में चला जाता है उस समय अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 4-5% अभी डीग्रोथ में नहीं, बट जिस समय आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ऐसे उस समय 4-5% प्लस अब भी जो डीग्रोथ में जाएगा वो लगभग आपको लगभग 10% का प्रॉफिट होगा। और ये सारे फंड लगभग 15% से ऊपर ऐसे डीग्रोथ में जा चुके हैं। अगर ये फंड जब ग्रोथ में जाने लगेगा तो उस समय अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक बार में दोस्तों 20% का ऐसे प्रॉफिट होने वाला है जस्ट ऐसे 2-3-4 महीने में। अगर लंबा समय की बातें करें तो लंबा समय में ये फंड बहुत बेहतर फंड है। अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 20% से ऊपर का ग्रोथ मिलता है सालाना, जो कि मैंने इसे बताया है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरा कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू, धन्यवाद।